इसका पड़ेगा ठीक है, वो एक रेसिंग ड्रोन है ठीक। इसका स्पीड इतना ज़्यादा क्यों होता है, कोई कोई बता सकता है? अभी मैंने सिंपल एक एग्जाम्पल दिया था दो मिनट पहले, के वी बढ़ जाएगा तो थ्रस्ट कम हो जाएगा, के वी बढ़ जाएगा थ्रस्ट बढ़ जाएगा ठीक। बट जब के वी बढ़ता है ना तो मोटर का स्पीड बढ़ जाता है, रोटेशन स्पीड जो आरपीएम हम लोग कहते हैं ना रोटेशन पर मिनट, वो बढ़ जाता है जैसे के वी बढ़ता है। अब जैसे ये मोटर है 2300 के वी का ठीक ना, तो ये इसका स्पीड मोटर का रोटेशन का आरपीएम बहुत ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू 1000 के वाले मोटर से, बट इसका थ्रस्ट कम होगा, ये ड्रोन वेट नहीं उठा पाएगा, ज्यादा से ज्यादा अपना बैटरी उठाएगा, मैं इसमें एक किलो डाल दूँ नहीं उड़ पाएगा। बट अगर इस ड्रोन को मैं बना दूँ इसमें एक किलो का मैं पेलोड डाल दूँ तो ये उड़ जाएगा। तो मोटर का सिंपल यही है ठीक ना, जैसे एक ड्रोन है कुली बनाया ठीक ना, इसमें दिख रहा होगा मोटर है, सबको दिख रहा है ना, जैसे मोटर है, इस मोटर का आउटर बॉडी रोटेट करता है, ब्रशेस मोटर का हमेशा आउटर बॉडी रोटेट करता है, इनर बॉडी हमेशा स्टिल रहता है। बट जो कोर कोर मोटर होता है ना जिसमें ब्रश होता है, ब्रश मोटर उसका इनर बॉडी रोटेट करता है ठीक ना, इस चीज़ से इसको ज़्यादा कम फ्रिक्शन मिलता है और ज़्यादा एफिशिएंसी मिलता है मोटर को रोटेट करने में, तो ये ज़्यादा कम बैटरी का हाई स्पीड पर रोटेट कर सकता है। हम लोग पढ़ते हैं प्रॉपलर से पढ़ते हैं, ड्रोन उड़ेगा कैसे प्रॉपलर नहीं लगाएंगे, तो विंग्स तो नहीं होते ड्रोन के पास, एक प्रॉपलर है। प्रॉपलर के भी अलग अलग वेराइटीज आते हैं, 10 इंच के प्रॉपलर हो गए, 4 इंच के हो गए, इंचेस पर डिवाइड करते हैं हम लोग प्रॉपलर्स को ठीक है। तो इसमें जो लगा हुआ है ये 9 इंच का प्रॉपलर है ठीक है, स्ट्रेंथ के हिसाब से आप लोग को जो मिल रहा है 10 इंच का प्रॉपलर है, जो इस क्वाडकॉप्टर के लिए बेस्ट है, ना इससे ज़्यादा ना इससे कम। 10 इंच का प्रोपेलर 1000 के वी का मोटर और 450 का फ्रेम इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन फॉर ब्रिंगर्स ठीक। तो प्रॉपलर्स के बारे में और किसी को कुछ जानना नहीं है, बस उसको माउंट करना यूज करना है ठीक है। बाकी सर 9 इंच का प्रोपेलर है, जब आप ड्रोन बनाने लगेंगे थोड़ा उसको आपका एक्सपर्टीज हो जाएगा, थोड़ा नॉलेज आने लगेगा, तो आपको खुद को खुद पता चल जाएगा कि किस ड्रोन में आप लोगों को किस टाइप का प्रोपेलर्स लगाना पड़ता है ठीक है। ये कोई ऐसा रटने वाला टर्न नहीं है, यहाँ रट लिया है कि यहाँ F450 में 10 इंच का लगेगा, इस ड्रोन में 20 इंच का लगेगा, इस सब में 30 इंच का लगेगा। हम उसको ट्यूबलेट भी लगा सकते हो, तो बस दिखने के लिए उसके फ्लाइंग में कोई डिफरेंस नहीं आने वाला, हम लोग उसमें अगर 2 प्लेट भी लगाए तो भी वैसे ही उड़ेगा जैसे वो उसमें 3 प्लेट है ठीक ना। बट हम लोग जनरली FPV में 3 प्लेट इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि कि बहुत स्पीड में होता है ठीक ना, तो उसके लिए इसको ड्यूरेबिलिटी चाहिए, 2 विंग्स को होता ड्यूरेबिलिटी नहीं रहता जितना 3 विंग्स करता है, तो इसलिए हम लोग रेसिंग ड्रोन में हमेशा ज़्यादातर 3 विंग्स यूज़ करते हैं, और बड़े वाले ड्रोन में हम लोग 2 विंग्स यूज़ करते हैं क्योंकि उसको घुमाना थोड़ा ईजी होगा मोटर्स को। एक तो प्रोपेलर्स का समझ में आ गया सबको, टाइम टू टाइम जब तुम लोग ड्रोन पे काम करने लगोगे ना, जब ड्रोन के बारे में सब कुछ आने लगेगा धीरे धीरे ठीक ना, तब खुद का खुद पता चल जाएगा इजीली। इस जैसा चीज़ है कि हम मैगी बना रहे कितना टाइम में बन रहा है, उसमें टमाटर डाल देते और कितना जल्दी बन रहा है, सिंपल वही चीज़ है, इट्स ऑल अबाउट एक्सपीरियंस ठीक ना। धीरे धीरे सीखोगे इसके बारे में, धीरे धीरे देखोगे इधर उधर, इंटरनेट से सीखोगे, खुद से सीखोगे, नया नया इन्वेंशन करोगे, तो तुम लोगों को खुद पता चल जाएगा कि कैसे टाइप्स के मोटर्स यूज़ करने हैं, कैसे टाइप्स के सॉफ्टवेयर यूज़ करें, बिकॉज दीज आर बेसिक थिंग ठीक है। आने वाली चीज़ों में तो अभी और कॉम्प्लेक्स होने वाला है, ये तो कुछ नहीं है। ESC एक ड्रोन का बहुत ज़्यादा टिपिकल पार्ट है, ESC का मतलब इलेक्ट्रॉनिक स्पीड कंट्रोलर ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक स्पीड कंट्रोलर से कौन क्या समझता है, मतलब कोई रेफर बताओ क्या समझता है कोई ESC का, ESC का मतलब क्या हुआ? हाँ बिल्कुल, यहाँ बस एक ही कोई बोल रहा है, दो ही बोल रहे हैं, बाकी सब यहाँ क्या कर रहे हैं, समझ में आ रहा है? यस सर पक्का
पूछेंगे आप नहीं बताया तो फिर हो गया।